अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगजेब खान आप सब न्यू वाले स्टूडेंट्स को आपके अपने चैनल एजुकेशन गेटर में वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मिड टर्म के जो एग्जाम हैं वो स्टार्ट होने लगे हैं, तो आप जो ये वीडियो मेरी वॉच करने लगे हैं ये भी मिड टर्म के हवाले से है। तो आपके प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपको पता हो कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकें। ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को एजुकेशन गेटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे आपको फॉलो का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने फॉलो कर लेना है। बाकी बातें ये हैं कि आपने जो भी बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो अपने अगर स्टडी के हवाले से किसी भी किस्म के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उनसे, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें नंबर मौजूद है। ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो चुका है और वो जितने आप पास्ट पेपर्स जो है वो रिवाइज करके जाते थे, याद करके जाते थे, अब उन सब में से पेपर जो है वो नहीं आएगा। अब ये चीज़ें हैं कि आपके हैंड आउट्स जो हैं उसी में से आपके एमसीक्यूज होते हैं, उसी में से आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने हैंड आउट्स अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, रीडअप किए हुए हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आ सकते हैं। हमने जो ये फाइल्स क्रिएट की हैं, फाइल्स जो बनाई हैं ये न्यू फाइल्स हैं न्यू एल्गोरिथम के साथ। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें आपके जितने भी शॉर्ट लेक्चर्स थे जो हम प्रिपेयर करते थे, हमने उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने शॉर्ट एमसीक्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो एमसीक्यूज़ उसमें मिड टर्म में पूछे जाते हैं हमने वो एमसीक्यूज़ इसमें हमने बना लिए, जो पिछली पुरानी फाइल्स में भी मौजूद हैं, जो इस न्यू फाइल में भी मौजूद होंगे और जो न्यू अभी क्रिएट नहीं किए गए थे हमने वो भी सब एमसीक्यूज़ इसमें क्रिएट किए गए हैं। तो आप सबको यही हम कहते हैं कि आप एक दूसरे का साथ दिया करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं आप किसी और स्टूडेंट को, किसी और दोस्त को आप प्रेफर किया करें कि वो आगे इन्हीं फाइल से या इन्हीं वीडियोस से कुछ सीख के, कुछ पढ़ के आगे जो है मार्क्स हासिल कर ले ताकि अपना नाम भी रोशन कर सके, अपने वालिदैन का भी और अपने मुल्क का भी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप उस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट किया करें जो आपके लिए फ़ायदा जो कर रही हो। हम किसी भी किस्म के किसी बंदे से मुवाजना जो होता है वो नहीं लेते, हम किसी से भी पेड सर्विस में नहीं काम करवाते। हम अलबत्ता उससे करवाते हैं जो पेड फॉर्म में दे सकता है। हम कभी किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप किसी चीज़ के लिए इतने चार्जेस जो हैं वो दे सकें। अगर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए भी नंबर मौजूद है और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसके लिए भी नंबर मौजूद है। कोई भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसके उन सब के लिए मेरी आल सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब आप अगर बुक की तरफ देखें जो मैं आपको ये असाइनमेंट ये जो मिड टर्म करवा रहा हूँ इसमें अगर आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा हो कि आपके ऊपर कोड जो है वो नज़र आ रहा है, आपने इसको लाजमी ध्यान से कोड अपना देख लेना है, देन आपने प्रिपरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि अगर एडिटिंग के दौरान में ये ऐसे हो जाता है कि कोड जो है वो नहीं होता या कोई चीज़ ऐसी होती है तो आपको जो है किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल एजुकेशन गेटर को सपोर्ट करें। अगर आप किसी किस्म का जो है कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरा वर्चुअल टेक्नोलॉजी का चैनल जो है लास्ट स्क्रीन पे भी आपको नजर आ जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे किसी भी जगह पे आप सर्च करेंगे आपको कोर्सेज के हवाले से मेरा चैनल वर्चुअल टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सब बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो आप अब प्रिपरेशन करें कि कुछ भी कोई भी जो सवाल है वो आपने नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं। लास्ट पे अपने हैंडआउट्स जो है उनको लाजमी एक दफ़ा रीड कर लेना है, सिर्फ देखना है, पढ़ना है, रट्टा किसी चीज़ में नहीं लगाना, जस्ट रीड अप करना है। क्योंकि ये आपकी जो क्लास है जो आप पढ़ रहे हैं इस एल्गोरिथम में कोई भी चीज़ रट्टे वाली चीज़ नहीं है, आपने अपने माइंडसेट से ही खुद जो है वो क्रिएट करने होते हैं क्वेश्चंस, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सब फिल आउट करके आपने आंसर्स देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जितनी भी बातें हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। अब आप अपनी प्रिपरेशन करें, अपने अच्छे से रीडअप करें, टॉपिक जो नहीं समझ आए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेके। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।